तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? कितने मस्त लग रहे भाई ये। हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइस, मैं तो बहुत ही अच्छा। और गाइस, आज बता कहाँ पे हूँ मैं? दिल्ली से पंजाब, इतनी दूर भाई तुम्हारे लिए ट्रैवल करके आया हूँ एक वीडियोस के लिए। और भाई मैं आज बता कहाँ पे हूँ, देखो ये देखो, पंजाब में भाई, ये ईगल आई कैनल के नाम से है। और अंदर जाते हैं, दिखाता हूँ आपको। देखो ये देखो भाई की कितने सारे हस्की एक साथ। तो गाइस, शायद मेरे ख्याल से इतने सारे हस्की यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाया होगा एक साथ, वो भी तो शायद मेरे ख्याल से मैं ही हूँ। और कोई बंदा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये बंदा है। तो आगे जाते हैं, वीर जी से मिलते हैं और उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। ये देखो भाई का पूरा ऑफिस यही है। तो अंदर जाते हैं। और वीर जी कैसे हो? हाँ ठीक है जी, बढ़िया। सुनाइए जी। बढ़िया भाई, तो अपना नाम दस दो एक बार। मेरा नाम है जी प्रीतपाल। प्रीतपाल, तो आपके पास कौन से ब्रीड है? वैसे मैंने तो देख लिया हस्की है आपके पास आए ब्रीड। और मैं सिर्फ और सिर्फ हस्की रखता हूँ, इसके बिना कोई ब्रीड नहीं है। अच्छा, कोई सी भी ब्रीड नहीं है? नहीं नहीं। तो कितना टाइम हो गया आपको? वैसे तो मैं 1994 से खुद कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मेरे फादर साहब भी डॉग ट्रेनर हैं, वो अभी सब के डॉग्स को ट्रेनिंग देते थे। अच्छा, तो अभी 1994 से मैंने लैब्राडोर रखा था खुद अपना। अच्छा, मतलब डैडी के बिना मैंने खुद लिया था। अच्छा, जब मैं 12th में था। अच्छा, उसके बाद बस फिर और ब्रीड भी रखी, लेकिन अभी मैं 2009 से सिर्फ हस्की में ही। 2009 से? और काफी अच्छा, 11 साल हो गए सिर्फ हस्की में। अच्छा, तो और काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए चल के दिखाते हैं डॉग्स। हाँ जी, हाँ जी, चलो आपको दिखाता हूँ थोड़ा। जो फीड है यहाँ पर, हम लोग फीड रखते हैं डॉग्स की। ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो फीड है पूरी, यहाँ पे खाली हो जाती है फिर आ जाती है। अच्छा, कंपनी की तरफ से हमें तो लॉटरी मिल जाता है ना। अच्छा, तो उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश। अच्छा, मतलब कर लेती है। अच्छा, तो ये देखो ये हमारे डॉग्स हैं, अभी इस समय खुले हैं। मौसम देखो, मौसम ठंडा है, सारे यहाँ पे बैठे हुए सो रहे हैं। एक दो डॉग बाहर निकाल के दिखाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना कि कौन से डॉग, मतलब उसके एक एक फर समझेंगे बाहर निकाल के। तो गाइज, आपको मैं ना एक एक डॉग बाहर निकाल के दिखाऊंगा, तभी मतलब समझ में आएगा फर, एक एक फर समझोगे कैसी क्वालिटी है और मतलब सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको एक एक डॉग। और भाई इनके बारे में बताना भाई, ये कौन सी ब्रीड है वैसे? बुलीकोट में। अच्छा, बुलीकोट में है। लेकिन ये कि इसको केसीएस से मान्यता नहीं है। अच्छा, ये शो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, शो में नहीं आ सकते। सुंदर लगते हैं, ज्यादा फर है तो मतलब हाँ। उसके हिसाब से ये बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा, सुंदर लगते हैं। देखो दोनों मेल है, दोनों बुलीकोट है। अच्छा, देखो भाई के, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम चार्ली है। इसका नाम चार्ली। बादशाह। ओए बादशाह, देखो कितना क्यूट सा लग रहा है भाई। मैंने फर्स्ट टाइम देखे इतने सारे डॉग एक साथ। वो भी ये देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं। ये देखो भाई, ये दोनों बाप बेटा हैं। अच्छा, ये दोनों बाप बेटे हैं? फादर है ये, बेटा है। अच्छा, ये बादशाह चार्ली बेटा है इसका। अच्छा, ये देखो भाई के कैसे लग रहे हैं। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि ना ये मतलब एसी में नहीं रह पाते, एसी के बिना नहीं रह पाते, तो उसके ऊपर क्या विचार है आपका? देखो वैसे तो ये स्टैंडर्ड कोट में होता है जो हस्की असली में होता है। हाँ। लेकिन सुंदर देखने के लिए बुली कोट भी आजकल मार्केट में है। हाँ। तो इतने बड़े बड़े बालों वाले मेरे पास भी रह रहे हैं। पंजाब में भी टेम्परेचर 50 के आसपास चला ही जाता है। हाँ। तो ये देखिए आराम से रह रहे हैं, खुले दौड़ रहे हैं, धूप निकली हुई है, धूप निकली हुई है, वो टेंशन नहीं है। अच्छा, जब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है तो अपने को भी कितनी गर्मी लगती है। अपने तो थोड़ा ये भी बेचारे आराम से रहे, जब इतने घर पे रखे हैं प्यार से बच्चों की तरह, तो इनको एसी लगा देंगे तो बढ़िया नहीं, पंखे में रह जाते हैं। अच्छा, पंखे में रह लेते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छा होता, बहुत अच्छा। अच्छा, सही बात है। तो भाई एक बार मेरा और एक क्वेश्चन और है। हाँ, कि इन्हें फीड क्या दिया जाता है? हम तो इनको चिकन और मतलब किसी कंपनी की जो डॉग फूड आता है ना, जैसा आपकी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था हमने। हाँ, वो डॉग फूड और चिकन के साथ मिक्स करके देते हैं। अच्छा, अभी उधर चिकन भी बन रहा है, चिकन के। तो गाइस अभी थोड़ी देर चिकन बन रहा है वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा चिकन के मतलब पूरा। ये देखो भाई की, मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा। ये बादशाह है? ये बादशाह है, ये चार्ली। चार्ली, तो वैसे में आपको आपको सारे जितने भी डॉग है सबके नाम पता है? सबके नाम पता है, सबके डेट ऑफ बर्थ भी पता है मेरे को। अच्छा, तो ये कितने मंथ का है? ये हुआ 3 जुलाई 2018।
3 जुलाई 2018 भाई का मतलब ये 10 जुलाई 2017 का है भाई पूरे पक्का मतलब आप डॉग लवर हो। तो ये देखो कितने टाइम कितने साल हो गए। तो गाइस अब मैं इनका कैनल दिखाता हूँ। देखो ये कैनल, ये देखो भाई के भाई ने कर रखा है। तो भाई ये जो आपने कैनल बना रखा है ये पूरा कितना एरिया भाई जो? ये 12x12 का एक है। अच्छा 12x12 का है। हाँ, इसमें दो रखते हैं। अच्छा दो डॉग रखते हो इसमें? हाँ, एक में दो रहते हैं 12x12 का है। अच्छा तो ये देखो और भाई ने प्रॉपर ये देखो मिट्टी मिट्टी कर रखी है। मिट्टी में इसलिए रखते हैं ताकि दौड़ते हैं कि पैर वगैरह खराब ना हो। खराब ना हो, पक्के में रहेंगे तो पैर खराब हो जाएंगे। दौड़ते रहे इसलिए थोड़ा सा कच्चा रखा हुआ। अच्छा ये देखो और ये देखो भाई। और ये आपका किचन रूम है, देखो भाप निकल रही है गाइस। हाँ वहाँ पर किचन है, वहाँ पर चिकन बनता है, डीप फ्रिज वगैरह पड़ा हुआ है वो। अच्छा आज आपको ये देखो ये भाई का किचन है। ये सर किचन है कि इधर इनके बर्तन धोए जाते हैं। अच्छा इधर इनका खाना बनता है, ये डीप फ्रिज भी रखता है, इसमें चिकन वगैरह रखते हैं। अच्छा इसमें चिकन रखते हैं। ये देखो गाइस देखो चिकन रख रखा है भाई ने। तो यहाँ पर इनका चिकन बनता है। अच्छा मीट और चिकन मिक्स करके दोनों। अच्छा अच्छा उसको मिक्स करके इसमें देते हैं। अच्छा सेटअप था आपने बाहर देखा, ये वाला सर्दी का सेटअप था। अच्छा ये सर्दी का सेटअप है पूरा? सर्दी का ताकि मतलब पंखे लगे होंगे अंदर। अच्छा हल्की सी गर्मी होगी तो पंखे चला देंगे, लेकिन अभी मौसम ठीक है, पंखे भी चलाने की जरूरत है। आराम से घूम रहे, आराम से घूम रहे थे और धूप हो रही है पूरी। तो ये क्या है? ये गर्मी वाला है, गर्मियों का है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मतलब गर्मी जब समर सीजन आ जाता है तो डॉग्स वो कैसे रहते हैं। ये देखो ये देखो गाइस भाई ने पूरा एकदम वो कर रखा है। ये देखो ये गर्मी के लिए सेटअप है। अच्छा 5x5 का एक बना हुआ है। अच्छा 5x5 का एक बना हुआ है। ये यहाँ पर 20 बने हुए हैं। अच्छा 20 बने हुए हैं, 5x5 में एक रहता है। अच्छा हमारे पास 20 डॉग होंगे तो यहाँ पर रह जाएंगे। हाँ कुछ खुलने में भी बैठ सकते हैं। इसके बने एक और भी बना हुआ है, वहाँ भी रहता है। अच्छा तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग रखते हैं 22 के आसपास। कितने? 22-23 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और एक साइबेरियन हस्की के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वैसे तो काफी ठंडे में रहना पसंद करते हैं। अच्छा लेकिन गर्मी में लगाकर एसी तो 22-23 पे रखते हैं तो उसमें आराम से सोते रहते हैं। अच्छा कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ने पूरा एसी लगा रखा है, यहाँ पे पंखे लगा रखे हैं चारों तरफ। तो गर्मी होती है ना? अच्छा वो गर्म हो जाता। हाँ हाँ इससे गर्म नहीं होता। अच्छा गर्म नहीं होता। हाँ मेरे को भाई इसको लगाया गया ऊपर। हाँ देखिए थोड़ा सा जो फीमेल बच्चे दे देती है उनके साथ बच्चे भी होंगे तो यहाँ पर फाइबर इसलिए लगा रखी है कि इधर उधर को दिखाई ना दे। अच्छा आपस में दिखाई ना दे। हाँ तो फीमेल्स के अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरे साथ झगड़ना चाहती हैं। अच्छा इसमें 3-4 के इसमें लगा रखा है, बाकी सारे खुले हैं। अच्छा हाँ ये देखो ये सब बने हुए हैं, सारे बने हुए हैं। अच्छा स्विमिंग पूल बना रखा नहाने के लिए। देखो इसलिए मतलब इसमें पानी नहीं डाला, डाला हुआ। बेरी भी काफी झुक गई, देखो फल आया हुआ इसको बहुत ज्यादा, उसी में चली गई नीचे भी पानी नहीं छोड़ा, इसलिए कभी नहलाते नहीं ना। सर्दी है, सर्दी है, सर्दी है, सही बात है। उसी दिन पानी डाल के उस दिन निकाल देते हैं। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि इनका मतलब हाइट कितना होता है? जो फीमेल होती है 20-22 इंच की रहती है। अच्छा जो मेल होता है वो 21 इंच से 23-24 इंच तक चला जाता है। अच्छा अच्छा 21 से 23 इंच तक चल जाता है मेल? मेल मेल 24 इंच का भी कभी कभी हो जाता है थोड़ा। अच्छा फीमेल 20-22 इंच की रहती है। अच्छा देखो मेरे को तो भाई ये देखो कितना ये वैसे सब इसका नाम क्या है? इसका नाम लुडी है। और इसका? इसका नाम टार्जन है। इसका नाम टार्जन है। और इसका? ये वाली मिट्टी है। मिट्टी मतलब भाई को सारे नाम याद है। ये देखो तो भाई अभी आपके पास बच्चे हैं इनके, पप्पीस हैं इनके? हाँ मेरे पास हर समय पप्पीस होता है क्योंकि मेरे पास 18 फीमेल्स हैं। अच्छा किसी ना किसी को पप्स हुए रहते हैं। अच्छा किसी दो फीमेल्स को पप हो रखे हैं। अच्छा वो उनका सेटअप मैंने अपने घर पे बना रखा है जहाँ मैं खुद रहता हूँ। ये तो कैनल है। हाँ ये तो कैनल है। वहाँ पर मैं उनकी ताकि केयर अच्छी हो सके, उन्हें कैल्शियम आयरन जो भी जिस चीज की जरूरत है वो ध्यान से देते रहते हैं। अच्छा इसलिए उनको घर पे रखते हैं, घर पे बच्चे होते हैं। वो अभी मैं आपको वहाँ पर भी ले चलूंगा, वहाँ दिखाऊंगा दो फीमेल्स को भी पप्स हो रखे हैं। अच्छा तो गाइस अभी मैं इनके घर पे जाऊंगा और घर पे इनके पप्पीस है वो देखता हूँ। तो कितने पप्स है टोटल? अभी एक को 4 हुए, एक को 2 हुए हैं, 6 मतलब 6 पप्स हैं और वो दिखाता हूँ आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मतलब इस, और अगर ऐसे ऐसे ब्लॉग चाहिए आपको तो इस चैनल को कर दो ना सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? कर दो, तुम्हारे भाई का ही चैनल है, कर दो भाई के। गाइस देख रहे हो मतलब कैसे देखो कैसे चल रही है मेरे ऊपर। ये देखो कैसे चल रहे हो। ओ आई के
ओए लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। हाँ मेरे साथ साथ जाऊंगे तो मेरे साथ साथ चलेंगे। गाइस अब मैं इनके घर पे जाऊंगा और पप्पीज देखेंगे। वो लड़ाई नहीं करना है, नहीं लड़ाई नहीं करना है, तो इनके घर पे जाऊंगा, इनके पप्पीज देखते हैं, तो फिर चलते हैं घर पे। आ जाओ ए ले। कि मतलब फैमिली के लिए कैसी ब्रीड है? बिल्कुल फैमिली डॉग है। बच्चों के साथ खेलते हैं, रहते हैं आराम से, कोई काटता नहीं है। बहुत ही ज्यादा मजेदार डॉग है घर पर, मजेदार। और गाइस देखो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इनके पास और मैं अभी अंदर में था और इनके साथ खेल रहा था। देखो काट रहे थे, बिल्कुल नहीं काट रहे थे, मतलब एक साथ देखो सारे डॉग एक साथ खेल रहे हैं। देखो ये देखो मतलब सारे डॉग भाई एक साथ ही है। और गाइस मैंने आज से पहले किसी कैनल में ऐसा नहीं देखा कि मतलब सारे डॉग्स एक साथ मतलब हो। तो देख रहे हो, देखो ये देखो। तो गाइस मैं भाई के घर पे आ चुका हूँ और आपको दिखाऊंगा हस्की के जो पप्पीज है वो कितने क्यूट से है। मेरे को तो भाई पर्सनली हस्की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो, ये देखो यहाँ पर बच्चे देती हैं फीमेल। अच्छा फीमेल बच्चे देती है, डिलीवरी रूम है ना ये? गर्मी के लिए यहाँ भी इन्होंने एसी लगा रखा है गर्मी के लिए। अच्छा ये देखिए वाइट फीमेल के बच्चे। हाँ वाइट फीमेल के बच्चे, देखो भाई के कितनी अच्छी लग रही है ये वाइट। ये देखिए ब्लैक को बच्चे रखे हैं, देखो ब्लैक के बच्चे दे रखे हैं। ये देखो काटते वटते तो नहीं है ना? नहीं काटते। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है भाई। नाम क्या है इसका? इसका नाम मैगी है, मैं दिखा। इसका नाम मैगी। ये देखिए, ओह कितने कितने मस्त लग रहे हैं भाई ये। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मैगी। ऐसे ऐसे दो दे रखे ना भाई? हाँ दो ही थे इसको। अच्छा दो ही दिए थे। अच्छा जो खेत में हम लोगों ने उधर कैनल पे हाँ। देख रहे थे फीमेल हाँ। प्रेग्नेंट वाली बिल्ली। हाँ हाँ बिल्ली उसकी मदर है। अच्छा उसकी मदर है ये? उसकी मदर है। अच्छा ओह भाई ये तो भाई कितनी क्यूट सी लग रहे हैं भाई। इसके पप्पीज दिखाना एक बार। ओ देखो देखो कितना क्यूट सा लग रहा है भाई की। ये देखो ये देखिए ग्रे बच्चा, ये ग्रे कलर का है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये रेड है, ये रेड है। अच्छा और इसका फादर क्या था? इसका फादर कौन सा कलर का था भाई? फादर ब्लैक। अच्छा फादर ब्लैक कलर का था। ये देखो भाई पंखे उनके लगा रखे हैं, लाइट वाइट सब की, और पूरा एसी लगा रखा है भाई ने। ये देखो पूरा छह बना रखे हैं इन्होंने। और यहाँ पे देखो पूरे सप्लीमेंट है डॉग्स के लिए, जो मतलब डॉग्स को एक डॉग्स को नीड होती है उनकी प्रोटीन और उनकी हेल्थ के लिए। तो देखो प्रॉपर वो दे रखे सप्लीमेंट। कैसे छोटी सी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।